ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। देखिए, कोविड जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइन लिस्टिंग आने के बाद उनमें से जो जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन के लिए ऑप्ट करते हैं उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके लिए एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोडल ऑफिसर हैं, उन्हीं की निगरानी के हेठ ही सारा काम होता है। सभी पॉजिटिव पेशेंट्स को एक बार कॉल करी जाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें एक फतेह किट दी जाती है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर और कुछ ज़रूरी दवाइयां जैसे मल्टीविटामिंस वगैरह होते हैं, और उसके बाद एक सर्विलेंस सेक्टर और सेक्टर ऑफिसर्स की टीम जो है इन सभी होम आइसोलेशन पेशेंट्स पर नज़र बनाए रखती है। मेरा लोगों को मैसेज यही है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, आप ठीक भी हैं, तो भी सरकार की जितनी भी हदायतें हैं होम आइसोलेशन को लेकर उनको ज़रूर फॉलो करिए। ये आपके साथ रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए और आसपास रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिसके तहत उन्हें 14 दिन तक आइसोलेट होकर रहना होता है। जिस 14 दिनों में उनके घर वाले उन्हें खाना वगैरह दे सकते हैं, पर उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, मास्क वगैरह लगाना होता है, सैनिटाइज़र वगैरह वो सब प्रयोग करने होते हैं। बेसिक मोटे तौर पे गाइडलाइन ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप होम आइसोलेशन में हैं, इसका मतलब ये कि आप सभी घर वालों से अलग हो जाएं, जो भी नेगेटिव पेशेंट्स हैं आपके घर में उन सब से अलग होकर रहिए। कोरोना कारण जिहड़े लोग होम आइसोलेशन ते ने उन्होंने गाइड करने लिए, गाइडलाइनस देने लिए ते फतेह किट देने लिए नगर निगम ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।